बस तो आज मैं आपको नमकीन चावल बनाना सिखाऊंगी। आई एम स्टार्ट करते स्टार्ट में कर चुकी हूँ। मैंने गैस ऑन कर दिया, कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में मैंने ऑयल भी डाल दिया। ये देखो, आगे की रेसिपी देखते हैं हम। ये ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम जीरे को ऐड कर देंगे। अब मेरा एक ही हाथ है, एक हाथ में फ़ोन है, एक से वीडियो बना रही और एक से खाना। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, थोड़ा आप सावधानी से बनाएं। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। सिंपल नमकीन चावल बनाएंगे आज हम। अब इसमें हम डालेंगे ये मटर ऑयल, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप जो खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। हमारी प्याज भून रही है, मटर भून रही है, जब तक हम ये टमाटर है इसी में हम मसाले डाल लेंगे अपने अंदाजे से। मैं बना रही हूँ 1/2 kg राइस, तो इस हिसाब से मसाले डालूंगी। ये राइस को मैंने वॉश कर लिया है। हाफ चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार। अब इस सब को हम डाल देंगे प्याज के अंदर। प्याज हमारी भून गई है, देखो इसमें टमाटर को ऐड कर देंगे। ये जो हमारा मसाला रह गया इसमें हम हल्का सा पानी डाल देंगे प्लेट में ही। आप मसालों को अलग से कटोरी में भी डाल के वो कर सकते हैं यूज़। इसमें ऐड कर देंगे। आप अब इसमें जो सब्जी आप डालना चाहो वो ऐड कर सकते हैं। ये हमारे बहुत छोटे आलू थे, मेरे भाई ने ऐसे ही काट दिए। ये इसमें हम आलू ऐड करेंगे, छीलेंगे। आप आलू को छील लेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इसके लिए मुझे दोनों हाथों की जरूरत है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा रोक देती हूँ। चावल और आलू को मैंने पहले ही वॉश करके रख रखा था, और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं आज बिना सीटी के चावल बनाऊंगी, क्योंकि हमारे इस कुकर में सीटी नहीं आती। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब इसमें और पानी ऐड होगा। जितने हम चावल लेते हैं ना, जितने आप चावल ले उसका 2 गुना पानी ले। और अगर सीटी लगवा रहे हैं तो आप दो सीटी लगा के गैस बंद कर दें। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी कम लगा है मुझे, थोड़ा सा और डाल दें। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी, और आप चाहे तो सीटी लगवा सकते हैं। देखते हैं, हम इसको थोड़ी देर बाद इसको ढक देंगे ऐसे। मैं तो ऐसे ही ढक दूँगी। मिलते हैं 15 मिनट बाद, 10-15 मिनट। अगर आप सीटी से बनाएंगे तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, और वैसे 10 से 15 मिनट। हमारे चावल का क्या हाल है? ये देखो, मस्त बन रहे ना। थोड़ी सी सिम गैस कर देती हूँ, हल्का सा पानी है इसमें। ये देखो, बिना सीटी। आप इसमें ना अभी हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मेरा जो छोटा भाई है वो हरा धनिया नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं डाल रही। और जो सब्जी आप डालना चाहो डाल सकते हो, बीन्स, गोभी, गाजर, मटर, जो भी। मैंने सिंपल बनाए हैं आलू चावल के, देखो है ना एक नंबर के। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।